अभी हमारे भाइयों के द्वारा आपने जो अनुभव सुना, अपनी बात, अपनों से अपनी बात यहाँ पे बुलाने का, हम लोग को गुरुदेव कहें कि भाई तुम लोग डाकिया हो, तुम्हारा सिर्फ काम है कि भाई हर बार भाई साहब का उद्बोधन होते रहता है कि भाई जागते रहो, लेकिन क्या हम सचमुच जग रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि भाई हम जग रहे हैं। जगना मीन्स कि सब चीज़ में अपना एक अलर्ट होना चाहिए, चाहे हमारा वो कैरियर के प्रति हो, चाहे हमारा जिस दायित्व के प्रति आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे लगातार कहा जाता है कि भाई डाकिया आपके पास आता है, चिट्ठी देता है, खोलेंगे तो संदेश मिलेगा, नहीं खोलेंगे तो क्या होगा, एक वो कागज का कुड़िया रह जाएगा। भैया खोलने और जगने और जगाने की बात है, यहाँ से लगातार बार बार एक ही बात, आखिर क्यों? चार चीज संयम साधना स्वाध्याय सेवा, क्या यहाँ से जो बताया जाता है वो तथ्य और प्रमाण पर साबित है या नहीं है? इसका भैया हम यदि कहेंगे तो आपको लगता होगा कि भैया कुछ हो गई, पैसा बैठ जाएगा, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुई है। तो बताया जा रहा है कि संयम सेवा साधना स्वाध्याय, तो इसका मूल कारण गुरुदेव कहे हैं कि भाई ये जो चार चीज़ का अवलंबन लेते हैं वो हमारे सदस्य हैं, इससे आपके अंदर कहा गया है, गायत्री मंत्र आज का नहीं है, ऋग्वेद का मंत्र है, और कहा गया है कि गायत्री जपने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ये हम नहीं कहते, ये वेद कहता है। ऋग्वेद का मंत्र है, उसके बारे में कहा गया है कि अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी दुजा नाम आयु प्राणम प्रजा पशु कृत्रिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्व मह्यम दत्वा। आप इन्हीं चीज़ों के लिए आप परेशान हैं, चाहे हमें नौकरी मिल जाए, हमें इज्जत शोहरत मिल जाए, हमें धन मिल जाए, कीर्ति हो, तो इसके लिए भैया यहाँ बहुत छोटा और कहें तो बहुत बड़ा ये समझने का वो चीज़ है कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक स्वरूप, श्रेष्ठ पापनाशक परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सर मारने प्रेरित है। आपका जब बुद्धि पॉजिटिव होने लगेगा तो स्वाभाविक है कि आप अच्छे बनेंगे, और अच्छे बनेंगे तो जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे। उसके लिए भैया यहाँ से बताया जाता है तो उसका ये नहीं सोचे कि अरे क्या होगा भैया 7 दिन के बाद आते हैं फिर तो वही बात, नहीं वो बात नहीं बताई जाती, अपनी बात नहीं कुछ बताई जाती है, जो भी बताया जाता है गुरुवर के विचार, अपने गायत्री परिवार के संस्थापक योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, कोई सामान्य व्यक्ति वो नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सोचता है कि थोड़े से मैं ऐसा आराम कर ले तो मेरा जीवन सक्सेस हो गया, इन्होंने भाई साहब इनके बारे में कुछ भी कहना कुछ कम ही होगा। एक व्यक्ति पूरे इस अपने भारतवर्ष में 2400 शक्तिपीठ ऐसे जैसे पटना है वैसे 2400 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, 24 एक आदमी एक की बल के बूते की बाहर की बात है, ये गायत्री मंदिर नहीं बनाए, यह शक्तिपीठ बनाए। शक्तिपीठ का अर्थ जहाँ से शक्ति दी जाती है, लेकिन शक्ति आप किसी अनट्रेंड ड्राइवर के हाथ में यदि गाड़ी दे दी जाए तो क्या होगा, वो एक्सीडेंट कर देगा, लेकिन वही कोई समझदार ड्राइवर के हाथ में चला जाता है तो शानदार तरीके से आपको हजारों मील की दूरी वो तय कर देता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे आते हैं भैया तो कुछ उद्देश्य लेके आइए, आप आते हैं लगातार आइए, लगातार आने से आपके अंदर एक कंटिन्यूटी होगी। अभी जैसा कि हमारे भाई आदरणीय प्रिंस जी बता रहे थे तो क्या हुआ कि गुरुदेव आपको, आप देखेंगे कोई भी चीज़ आप काम करें लेकिन उसमें अपनी तन्मयता पूरे निष्ठा भाव से करके देखें, लेकिन वो कहाँ से आएगा, तो विश्वास कैसे होगा, तो आपके अंदर से बन गए। यदि कोई
ऐसे भी देखते होंगे कि कोई कह दिया भाई कि भगदड़ मच गया तो कोई आदमी भाग दौड़ करने लगते हैं। कोई ये भी बात आदमी देखता है कि उस भगदड़ में अपने आप को देखता है कि हम कहाँ पर रुक जाएंगे तो हम बच सकते हैं। तो ये आपाधापी का समय है मित्रों। गुरुदेव अपने जीवन काल में 3200 साहित्य लिखे, कोई एक ऐसा हमको लगता है पूरे वर्ल्ड में, अपनी भारत की बात छोड़ दी, पूरे वर्ल्ड की बात है कि कोई एक व्यक्ति बता दिया जाए जो 3200 साहित्य, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर कि गुरुदेव ने अपनी कलम ना चलाई। और इनके इनके साहित्य में वो रस है कि आप कभी एकदम एकदम जो भी बात बता रहे हैं एकदम प्रमाण के साथ, आप जब कभी समस्याएं से ग्रसित हों आप गुरुवर की एक भी साहित्य, चाहे उसका टॉपिक उससे लेना मिलता जुलता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आप एक पन्ने आप पढ़ लीजिए, देखेंगे कि आपका वहां से उसका समस्या का समाधान आपसे निकल रहा है। ये हम कोई बात ऐसा नहीं कि मिशन से हम जुड़े हुए तो आप मुझे बता रहे हैं, हम लोग भैया अनुभव इसको कर रहे हैं। आज गुरुवर हम जहाँ जाते हैं एक लगता है कि एक शक्ति लगातार मिलती जाती है। हमारा मन भी करता है कि हम कोई गलत काम करें, लेकिन गायत्री वही मुझे आपको रोकती है कि आपको गलत करने नहीं देगी। अब आपके अंदर बैठा हुआ मन बहुत शैतान है, तो मन तो अपने अंदर कीजिए। मन को तो हम जैसे डांट लगाएंगे वैसे मन खड़ा रहेगा, लेकिन मन को डांट लगाने के लिए अंदर से हिम्मत की जरूरत है। मन और जल दोनों का स्वभाव एक है। मन का स्वभाव हमेशा नीचे, जितनी उजूल फजूल बातें हैं उस पर उसका जाने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का करता है, मेरा भी करता है, लेकिन उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो साधना के बल पे उसको टाइट कि तुम्हें नहीं हिलना है तो नहीं हिलना है। क्या होता है, कभी आपके साथ कुछ भी घटना होती है तो वहां पे दो आपका दिमाग उस समय दो तरह आपका काम करता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आदमी क्या करता है, पॉजिटिव को छोड़ देता है, निगेटिव की तरफ उसका ध्यान चला जाता है। लेकिन पॉजिटिव की तरफ आप चलें, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, इसे इनकार नहीं किया जाता।